बेटा अपनी कॉपी में देखो बाकी वो उसकी है। बेटा किसके पास जाएगी बेटा, नानी के पास किसके पास जाती हो? नानी के पास पापा मौसी। हाँ बताओ, चलो पापा मौसी बताओ। यहाँ इंग्लिश कितना लेना है इनसे? 92 तो है ही, तो कितने और लेंगे इससे? 8 ले लो कि पक्का दे लो, 6 ले लो, 4 ले लो, आपकी मर्जी है, दे देंगे ना। तो कितने कितने करोगी? 100 ले आओगी? सोच के देखो, इंग्लिश है ये? ओके चलो, डैडी से लपेटी लेके कह रहे हैं, तो हिसाब ही लग रहा है ना कितने रह गए। अब किसके पास जाओगी? आप अपनी कॉपी में जाओ, साइंस। अच्छा चलो, साइंस वाले के पास कितने देंगे इनसे? दो। हाँ ये हो गया 97। हिसाब लगा रहे हो ना, यहाँ कितना हो गया? 38 में से दो गए थे, कितना था? 36। 36 में फिर क्या था? 8। तो कितना हो गया? 28। 28 के बाद फिर आप यहाँ कितने लिए? दो ले लिए, तो कितना हो गया? 26। वहां फटाफट हिसाब लगाते हो जब पिज्जा खाना होता है ना, इतनी जल्दी हिसाब लगता है, यहाँ बड़ा मुश्किल लग रहा है। आगे बोलो, अब कहाँ जाओगी? SST में कितने लोग गए? SST में सॉरी ऊपर 94 था। हाँ तीन हो गए, 97 यहाँ पे हो गया, तो तीन हो गए, तो कितना हो गए? 23। अरे देखो दिमाग लगेगा, चलेगा, जो काम पहुंचते हुए हैं कई बार इससे जाहिर करनी पड़ सकती है। हाँ जी आगे बोलो। IT में 5 और लोग गए, तो ये 96 हो गया, तो 5 हुए तो 18 बच गए। 18 लेने भी आपने कहाँ से ले रहे हैं? वो जानेंगे ना, उसको पता है ना कहाँ से मिलेंगे आपको, थोड़ी आप अपनी कॉपी में करो। हाँ मैथ्स में कितने लोग? 90 लगे ना, 8 और ले लोगे है ना, तो ये 10 बज गए बाकी। 10 रुपये देने आपने अभी, कहाँ से लोगे? अपनी कॉपी में लो ना। कहाँ से लोगे? संस्कृत में से कितने ले लोगे? 4 ले लोगे, तो ये 100 कर लिया आपने, ये 4 हो गया, तो भी 6 बज गए। देखो आ रहा ना गुरु जी, बताओ मेरी बताओ, और कहाँ से लोगे? 4 कहाँ से और जुगाड़ बनाओगे? वहां तो फटाफट भागते हो, नहीं दादी थोड़ा आटे दो है ना, करते हो ना दादी ने तो बोले थे। हाँ नानी थी बेटा, वो नानी थी। हाँ मैथ्स में थोड़ा और करना है। मैथ्स में कितना करना है? 96 तक। वेरी गुड, यस। पहले तो भाई रुपी कितने थे मैथ्स में? 96 कितना हो गया? चल हमने कितना लिखा था हमें? 90 थे सर पहले, 90। तो कंप्लीट पूरा हो गया, फिर पूरा हो गया तो कंप्लीट। अब इसका टोटल करके देखो, ध्यान से देखो, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप इसको जोड़ के देख देते, 6, 4, 10, 7, 7, 14। हाँ ओके, पूरा काम हुआ, सही हुआ, 6, 7, 7, 14, 6, 20, 7, 24 हुआ ना, पूरी जोड़ लेते कोई नहीं, 1, 2, 3, 4, 36 और 2, 38 और ये 1, 2, 3, 3, 684। 2 नंबर और चाहिए बेटा आपको, कहाँ से लोगे? वो अरे उसकी नानी है, उसकी मौसी तुम्हारा थोड़ी है, तुमने मौसम आ रहेगा नहीं तो पप्पा आएगा बीच में। साइंस में कितने लेने बेटे? 99। अब हो गया बेटा 686, तो अब आपका जो है ना क्लियर हो गया। तो ये स्मार्ट बच्चे, आज के बाद हर बच्चा मिला सकता है इसको। और अभी आपने देखिए, एक तो सिर्फ एक्टिविटी किसमें चली? पेपर पे चल रही है, तब इतनी मेहनत लगी। और जब इसको क्या करना पड़ेगा, हकीकत में लाओगे तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर याद रखना है कि जब मैं कहती हूं वो 100% होता है, जो कोई और कहेगा तो नहीं होगा, लेकिन जब मैं कह रही हूँ 100% होगा। क्यों? उद्यमे नहि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः और नहि सुप्तस्य संयंसि कुशले प्रोशन्ते मुखे मृगा। तो जब आप एफर्ट्स करते हो, जो आपने मस्का लगाया था मम्मी पापा को और पैसे पक्के मिले थे, तो यहाँ भी आप मस्का किसको लगाना है? इन किताबों को लगाओ, अपने हिसाब से लगाओ, कैलकुलेशन करो कितने दिन रह गए क्या है, और ये 100% मिलेगा। जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो उसकी टीचर से मैडम के साथ दोस्ती ज्यादा करो, उससे बार बार इंटरेक्ट करो, बार बार क्वेश्चन याद पूछ के आओ, उसकी किताब ज्यादा खोलो, तो अपने आप ठीक हो जाएगा 100%। क्यों?